मुस्लिम समुदाय के लिए ईद उल फितर के पर्व का खास महत्व है। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसी श्रृंखला में आज मोमिनपुरा स्थित जामे मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़कर यह पर्व मनाया गया। ईद उल फित्र इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शवाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के सभी महीनों की तरह ये भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। ये त्योहार मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्योहार है, जहां अमन और चैन की दरख्वास्त अल्लाह से की जाती है, जिसके चलते आज मोमिनपुरा स्थित जामे मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़कर यह पर्व मनाया गया। जब बच्चे से लेकर युवा और प्रौढ़ भी नमाज के समय मौजूद रहे, जहाँ उपस्थित मौलवी साहब के उपदेशों द्वारा इस्लाम एवं खासकर रमजान के पाक महीने का महत्व समझाया गया। इस समय मौजूद मुसलमान भाइयों ने पूरे शिस्त के साथ नमाज पढ़ी, जहाँ काफी संख्या में मुस्लिम भाई मौजूद थे। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज पूरे देश में ईद उल फितर मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए ईद उल फितर का काफी बड़ा महत्व है। रमजान की समाप्ति के बाद ये त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व काफी महत्वपूर्ण है मुस्लिम भाइयों के लिए। और इस वक्त हम मौजूद है मोमिनपुरा की मस्जिद में, जहाँ आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम भाई यहाँ मौजूद है। आज ईद उल फितर के इस विशेष मौके पर, इस पावन मौके पर, रमजान समाप्ति के बाद ये जो है मुस्लिम समाज द्वारा, मुस्लिम समुदाय द्वारा जो है अल्लाह की इबादत में रमजान ईद भी से बोलते हैं, ईद उल फितर मनाया जाता है, मीठी ईद भी से बोलते हैं। काफी विशेषणों से ये सुसज्जित ऐसा त्यौहार जो है मुस्लिम समुदाय मनाता है, जहाँ की अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इबादत में सर टिकाते हुए सबकी दुरुस्ती, साथ ही साथ जो है बरकत की कामना जो है अल्लाह से की जाती है। और सभी मुस्लिम समुदाय जो है नमाज पढ़ते हुए सभी को गले लगाते हुए और मिठाइयाँ बांटते हुए, साथ ही साथ जकात और फित्र देते हुए ये जो है मुस्लिम समुदाय का बड़ा त्योहार मनाते हैं। इस समय जामे मस्जिद में नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी एवं पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने भी जामे मस्जिद परिसर में शिरकत की, साथ ही सभी मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। दर्शकों, ईद उल फितर पूरे विश्व में आज मनाई जा रही है, और उसी श्रृंखला में इस वक्त नागपुर लोकसभा क्षेत्र इंडिया आघाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा के उम्मीदवार एवं विधायक विकास ठाकरे जी यहाँ मौजूद है, जो कि मोमिनपुरा में मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देने आए। क्या बताना चाहेंगे सर, आज ईद मनाई जा रही है? मैं सभी नागपुर वासियों को और देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दूंगा। और आज ईद है, पवित्र रमजान का माह ख़त्म हो गया है और एक महीना हमारे सभी भाई लोग रोजे से थे, और रोजे का महत्व जो है, जो रोज़ा रखता है वो इंसान को अल्लाह ताला इतनी ताकत देता है। रोज़ा रखना कोई मामूली आदमी का काम नहीं रहता है, होता है। और रोज़ा रखते समय जो नियमों का पालन करना पड़ता है, यह अल्लाह ताला की ताकत के सिवा कोई बंदा कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि अब रोजे ख़त्म हो गए, आज ईद है, और मैं सभी मेरे साथियों को ईद की शुभकामनाएं दूंगा। साथी जो है, वोटिंग से इलेक्शन आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के विकास के लिए क्या प्रतिबद्धता रखते हैं आप, और किस प्रकार से उनका विकास करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है मुस्लिम समाज के विकास के लिए जो जो हमारे प्राविधान होंगे,
राज्य शासन के होंगे, केंद्र शासन के, उसमें कांग्रेस के लोग इस समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज में रहने वाले क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कटिबद्ध है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सुविधा माइनॉरिटीज़ को मिलने को होना, जिस तरह से ख्याल देने को होना, वो हर क्षेत्र में हम ख्याल देने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने विकास ठाकरे जी से बात की, उन्होंने मुस्लिम समुदाय को ईद उल फित्र की जो है शुभकामनाएं दी है, साथ ही साथ मुस्लिम समाज एवं अल्पसंख्यक के विकास की प्रतिबद्धता भी यहां दिखाई है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसके चलते की नमाज और सभी मुस्लिम भाई सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईद पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में मुस्लिमों की आबादी काफी ज्यादा है। हमारे देश में भी ईद पर बाजारों में खूब रौनक देखने को मिलती है। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफे का आदान प्रदान होता है। रमजान महीने में फितरा निकाला जाता है, मतलब इस्लाम को मानने वाले का फर्ज होता है कि अपनी हैसियत के हिसाब से इस दिन जरूरतमंदों को दान दे। इस दान को इस्लाम में ज़कात और फितरा भी कहा जाता है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम भाइयों ने जरूरतमंदों को ज़कात भी दी। साथ ही इस वक्त इस समय मौजूद नमाजी भाइयों ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है। आज जो है ईद उल फित्र मनाया जा रहा है, आखिर क्या महत्व होता है इस त्यौहार का? ये 11 महीना इंतजार करने के बाद जो हमको अल्लाह की तरफ से तोहफा मिला है रमजान का, जो रमज़ान में हम पूरे 30 दिन इबादत करते हैं, पूरे रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद जो मुकम्मल 30वां रोज़ा होता है, तो अल्लाह की तरफ से ये एक ईद का त्यौहार हमें मिला है, खुशी का त्यौहार मिला है, जिसमें भाईचारा और अमन होता है, बिछड़ों से मिलने का मौका होता है। ईद इसलिए बनाई जाती है अल्लाह की तरफ से, तो बहुत खूबसूरत तोहफा है ईद का। साथ ही हमारे साथ एक अंकल भी मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे सर? ईद मना कर आए, आप नमाज पढ़ कर आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश ऐसा है कि जी, ईद जो है ये दो दिलों का मिलन है, और इसमें हिंदू मुस्लिम सबके लिए है ये, और हम चाहते हैं कि अमन और शांति रहे हिंदुस्तान के अंदर में, और मुसलमान यही चाहता है कि आगे भी हालात अच्छे रहे हमारे। मुसलमान अर्थात जो है ईमान वाला बताया गया है, ईमान रखने वाला बताया गया है, क्या बताना चाहेंगे जो रमजान ईद का, रमजान के ईद उल फित्र मनाकर आप आए हैं, क्या बताना चाहेंगे नमाज पढ़? बस एकता है, सब भाईचारा है, मोहब्बत है, अखलाक है, प्यार है, यही सबसे बड़ी चीज है। रमजान ईद के त्यौहार पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको प्यार और मोहब्बत, सबको ईद को मुबारकबाद देना चाहते हैं, और इसी में भाईचारा और सब मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए। आज ईद है, खुशी का दिन है, और मुसलमानों के लिए इनाम का दिन है, जो हमने पूरे महीने में रोज़ा रखे, नमाज पढ़े, इबादत करे, अल्लाह ताला आज के दिन हमें इनाम देता है। आज हमारे लिए इनाम का दिन है, इसलिए हमारे लिए खुशी का दिन है, हम ये खुशी पूरे हिंदुस्तान के साथ बांटना चाहिए। दर्शकों, ईद उल फित्र के जो है अवसर पर ये जो है बरकत का महीना, रमज़ान के बाद जो है एक इनाम का दिन है ईद उल फित्र, जहाँ की जकात का काफ़ी बड़ा महत्व है। पूरा मुस्लिम समुदाय बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही ईमान से इस त्यौहार को मनाते हैं, और इस वक्त हम मौजूद थे मोमिनपुरा के जामे मस्जिद में, जहाँ की बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ आए थे, अल्लाह की इबादत उन्होंने की, नमाज पढ़ी, साथ ही साथ जो है ये त्यौहार उन्होंने यहाँ मनाया, जहाँ की बड़े नेता भी यहाँ मौजूद थे। इसी के साथ सभी को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएँ। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं मनीष टेमरी, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।